पूजा अच्छी तरह से हो गई, सब दर्शन भी अच्छे से हो बेटी। ये गुंडे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे बताओ तो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे मैं समझ गई, सुनो मुझे लगता है कुछ प्रेशर है, इसको हिफाजत से इसके घर पर छोड़ दो। ये लोग तुम्हें घर पर छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ बिल्कुल चिंता मत करना, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोला? ये घर नहीं जाना चाहती, लगता है कुछ परेशानी है इसे। ठीक है कुछ दिनों के लिए ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। हाँ, चलेगा ना? माँ अभी ये हमारे साथ इस नहीं। लड़की को देखो, बड़ी घर की लगती है, हमारे घर में रह पाएगी क्या? अच्छा ये बात है। सुनो बेटी, मेरी इडली की दुकान है और घर थोड़ा सा छोटा है, हमारे साथ रह पाओगी ना? हाँ, मैं रह लूंगी। हाँ? पर आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए प्लीज। सुनो दीदी, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो इसके चलते हम परेशानी में पड़ जाएं। नहीं, मुझे लग रहा है भाई साहब ठीक बोल रहे हैं। तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? अरे इसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, ऐसी हालत में इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? इसे यहाँ छोड़ दिया और कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर पर लेकर ही जाऊंगी, तुम लोग चाहे कुछ भी कहो। आओ 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 बेटा, आओ बेटा, आओ। फोन करके बता दूं क्या हुआ? उठा लिया क्या? नहीं उठा पाए साहब। क्यों? बस काम होने ही वाला था, पता नहीं कहाँ से वो लड़का आ गया, हम सबको मार के लड़की और बच्चे को उठा ले गया। उठा ले गया? अभी कहाँ हो तुम लोग? सेवियर में है साहब। तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो चलो लाइन चलो, चलो लाइन में जल्दी चलो, चलिए चलो। हाँ चलिए पंडित जी, चलो जल्दी बैठो। कैसी हो बेटी? अभी ठीक हो चाचा। आंटी देखो अपने गांव। ये बच्चा, ये बच्चा किसका है? हमारे रिश्तेदार का बच्चा है। रिश्तेदार? ठीक है चलो। अरे रिश्तेदार का मतलब दूर का रिश्तेदार, इसका बच्चा है हमारे घर आए। तुझे सवाल क्यों? ठीक है मंदिर में पूजा पाठ ठीक थी, सब अच्छे से हो गया। चलता हूं मैं। आंटी मैं आपके घर बहू बनकर आऊंगी। अच्छा खाएगी? जब मैं उसे अपना बेटा ही नहीं मानती तो तुझे बहू कहाँ से बना लाऊं? आप माँ बेटे का झगड़ा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी बड़ा हो गया है। आप माँ बेटे कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसी बात मत करो बेटी, सूरज पश्चिम से उग सकता है पर माँ बेटा ज्यादा तक अलग नहीं रह सकते। तुमने अच्छी बात कही है, सामान जाकर उतार लो गाड़ी से, नहीं तो कोई उतार ले जाएगा। जाओ बिना बोले कोई काम नहीं। सुनिए ना, अब आगे कुछ मत बोलना, शाम को घर आके मंदिर का प्रसाद ले जाना। अब जा घर, सारा सामान उतार लिया। चल बेटा घर चलते हैं। चलो ये लीजिए। आ गया सुबह सुबह दुकान में मनहूसियत फैलाना। माँ मुझे भी एक प्लेट इडली दो ना। तुझे यहाँ से कुछ नहीं, अकल नहीं है क्या? कितनी बार कहा है फिर भी बार बार यहाँ आके बैठ जाता है। अच्छे से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भाभी क्या? भाभी वो आपका इकलौता बेटा है और आप? माँ आपने देखा नहीं अभी भाई आए थे। तुझे घर पर कोई काम नहीं है क्या? चल अंदर जा काम कर, जो देखो मुझे सिखाता है। क्या भाभी ये क्या कर रही हो, खुद के बेटे को ही भूखा भगा दिया। ए, चुपचाप अपना काम करो वरना इस उम्र में दर दर भटकना पड़ेगा। जाओ। तो आप उसे अपना बेटा ही नहीं मान रही हो? अरे ऐसी क्या गलती हो गई उससे, किसी का खून तो नहीं किया ना? बेटा 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 रुक जाओ बेटा, अपनी माँ का स्वभाव तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर छोड़ो, ये लो बेटा,
मैं इडली लाया। मुझे नहीं चाहिए दादा, मैं अपनी माँ के हाथों वहाँ खाना खाने गया था। अनजान लोग मेरी माँ के हाथों का बना खाना वहाँ खा रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो माँ मेरे साथ ऐसा करती है? आखिर मेरा कसूर क्या है? माँ कब तक ऐसा व्यवहार करेगी? फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुम्हें वापस घर बुला लेगी। रात चाहे कितनी लंबी हो, सवेरा तो होता ही है ना। अभी तुम्हारी माँ गुस्सा है, लेकिन एक दिन तुमसे वो जरूर प्यार करेगी, सब ठीक हो जाएगा। काश आपकी बात सच हो जाए, मैं चलता हूँ। इतने सुखी परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। हे ऊपर वाले, अब तू ही इस परिवार की रक्षा कर। अजा मिल के आ, जा जा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही धरा गया। एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारा मन ठीक नहीं है। मुझे अपने साथ ले चलो सिनेमा, पार्क और रूम। क्या? क्या कह रही हो? सॉरी बाबा, वो जबान फिसल गई थी मेरी, डैम कहने वाली थी मैं। हाँ, तो फिर ठीक है। ऐसी क्या बात है, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ हमेशा तुम्हारा मुँह फूला हुआ रहता है। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हारी, बोलो तो सही। ओहो, I love you बाबा। मैं भी तुम्हें लव यू कहूँ, यही चाहती हो ना तुम? पहले तुम मेरी माँ को मना, ताकि वो मुझसे बात करे, फिर जाके मैं तुम्हें I love you कहूँगा, ओके? पहले तुम्हें मना लूँ, फिर उसके बाद आंटी को मनाऊंगी, ये सोचा था मैंने। पर तुम चाहते हो कि पहले आंटी को मनाऊं तुम्हें बाद में। ओके, मना लूंगी। पहले तुम वादा पूरा करो, उसके बाद देखूंगा। जल्दी। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, चलो। सुन बेटी, सांबर के लिए कड़ी पत्ता और बाकी मसाले तो है ना? कड़ी पत्ता नहीं है माँ, बाकी सब मसाले हैं। ठीक है, तब तो मंगवाना पड़ेगा। आंटी आ गए, धरती पर बोझ। पढ़ाई कर रही हो आंटी? नहीं नहीं, एग्जाम दे रही हूँ मैं, है ना? तू भी ना, घर और दुकान के लिए क्या क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना रही हूँ। आंटी आंटी, क्या है? मार्केट में जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए क्या? तो फिर इतना मस्का क्यों लगा रही है? क्या है ना आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। प्लीज आप उसका जवाब दोगी ना? ठीक है, बोल क्या सवाल है, पूछ, जवाब दूंगी। वो ऐसा है कि अगर आप अपने बेटे को माफ कर दोगी तो वो मुझे अपना लेगा। प्लीज आंटी, उसे माफ कर दीजिए ना। उसने ऐसा क्या किया है जो आप उसे माफ नहीं कर रही हैं? किसी का खून किया है क्या? सामने देखो कौन आ रहा है। अरे लक्ष्मी बिटिया, कहाँ जा रही हो? वो हम कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे हैं। अरे उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास भी तो कपड़े हैं ना। आपके पास अच्छे कपड़े हैं क्या? आपने जितने कपड़े गांव वालों को बेचे उन्हें पहन के निकल भी नहीं पाते हैं। अरे मैंने ही तो फैशनेबल कपड़े दिए थे। आपने जो कपड़े दिए थे वो फैशनेबल नहीं थे, वो सारे के सारे अनझेलेबल कपड़े थे। क्या तुम हमेशा मजाक करती रहती हो? अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी गोद में बच्चा किसका है? ये इसका है। आप फालतू बातें मत करिए, चलिए जाइए। चलो हम भी चलते हैं, चलो। ना गले में मंगलसूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर है, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है, आज अपना मोटू नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, पीछे देख कौन है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो? वो क्यों? मैं तुम्हारे घर गई थी माँ से बात करने के लिए कि वो हमारी शादी के लिए मान जाए तो? और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। पता नहीं कब तुम्हारी माँ तुमसे बात करेगी, कब हमारी शादी होगी, भगवान जाने ये सब कब होगा। क्यों? क्योंकि पहले की तरह तुम्हारी माँ पता नहीं कब तुम्हें प्यार करेगी। अगर मेरी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की ना, तो तुम भी मुझे भूल जाओ। तुम्हारी माँ को समझाओ तो वो मुझे मारती है, यहाँ तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे जा। यार तुमने क्यों मारा उसे? अरे यार तुमने उसे ऐसे क्यों मारा बेचारी को? ए, वो तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती है। एक बात बोलूं यार,
मैंने इसका प्यार पाने के लिए इसके बाप की नौकरी की थी, लेकिन वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, बात समझो यार। ए, तो मैं क्या करूँ यार, मैंने उसे कितनी बार समझाया लेकिन वो मेरे पीछे पीछे घूमती है, अब वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है यार, अगर कल मर मरा गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो पसंद नहीं उससे जबरदस्ती प्यार करूँ क्या? बंगाली, मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ ना, अब इस बात को यहीं खत्म कर दे। देख तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने गांव में ना फिर से उस चंदा जैसा कांड नहीं होना चाहिए। ये आ गया बंगाली बाबा ज्ञान देने के लिए। देखो ऐसी मुंह और मसूर की दाल, इस अनपढ़ के साथ रहोगे ना तो एक दिन ऐसे ही गंवार हो जाओगे। खुद अनपढ़ है, मुझे अनपढ़ कह रहा है बेवकूफ कहीं का। खैर छोड़, उसकी बात पे ध्यान मत दे। अरे भाई शंभू, हमारी जिंदगी का क्या हाल हो गया? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, पर मेरी जिंदगी में तो उतार ही उतार है। परेशान मत हो, आज हम साइकिल से चलते हैं, कल बाइक से चलेंगे, परसों गाड़ी में चलेंगे, उसमें क्या है। अरे मैं पहले गाड़ी में ही घूमता था, अब साइकिल पर आ गया हूँ यार। यही हाल रहा तो पैदल चलेगा। नहीं नहीं, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ देख वो देख, ये इडली वाली इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? उसके घर में कोई गड़बड़ चल रही है, पक्की खबर लाया हूं। क्या है? उसके घर में एक लड़की बच्ची के साथ रहने आई है। हाँ? और जानते हैं उसकी वजह कौन है? जय, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। इतना काफी है, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्यों बहन जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है भाई। आजकल गाँव के लोग तुम्हारे परिवार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे हो तुम किस्मत वाली, एक ही बेटा है, उसकी शादी कर देती तो उसमें कितना खर्चा लगता, टेंट वाला, बैंड वाला, खाने का खर्चा, रिश्तेदारों का खर्चा, ये सब खर्चा बचाने के लिए तुम गाय के साथ साथ बछड़ा भी लेकर घर आ गई। मानना पड़ेगा कितनी समझदारी से काम किया है तुमने। अगर यह बच्चा हॉस्पिटल में होता तो ऑपरेशन के लिए लाख दो लाख का खर्चा तो होता, वो भी बचा लिया तुमने। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है। तो सुनो, होगी भी नहीं, क्योंकि तुम जो घूम घूम कर साड़ी बेचने के नाम पर सबकी चुगली करते हो ना, तो तुम्हें कोई लड़की देगा भी नहीं। आखिरी वक्त तक शर्म नहीं आती माँ और बच्चे पर इल्जाम लगाते हुए? सुन लो, वो मेरे बेटे की कुछ भी नहीं लगती है। सुना था आज के बाद सुनी सुनाई बातें की ना तो पत्थर से ना सर फोड़ के तेरी जान ले लूंगी, याद रखना। हाँ रास्कल, कपड़े बेचने वाले अपनी शक्ल देखिए कैसे है, मेरी दुकान की तरफ। अरे यार क्यों बेकार में पंगा ले लिया उस औरत से, कितनी बात सुना गई वो। धंधे में सब कुछ चलता है। अरे धंधे के नाम पे क्या क्या सुना के गई है वो तो सोच। अरे हमारे धंधे में रोज औरतों से डांट खानी पड़ती है, उसका मजा ही अलग है।